नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर लेथ मशीन से क्वेश्चन करवाइए, तो मैंने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लेथ मशीन से तैयार कर दिए हैं। आपको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है लेथ मशीन से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक चित्र है। इसमें आपको ये बताना है, नीचे दिए गए चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो पहले तो आप एक्स देखिए, यहाँ एक्स कहाँ लिखा है, तो ये एक्स दिया है। फ्रेंड्स, इसमें चिन्ह लगे थे तो मैंने चारों पे लगा दिया, क्योंकि एक पर जो राइट आंसर था उस पर टिक लगा था पहले से ही, तो मैंने क्या आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने चारों पर ही लगा दिए टिक। ठीक है, तो अब आपको बताना है राइट आंसर क्या है, एक्स द्वारा इंगित भाग कौन सा, ये आपको बताना है इस लेथ मशीन के चित्र में। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन का बेड। ये पूरा जो है वो बेड कहलाता है। ये किस मटेरियल का बनाया जाता है बेड, तो ये बनाया जाता है हमारा कास्ट आयरन का। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लेथ मशीन का बेड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा आपका सामने दूसरा क्वेश्चन लेथ मशीन से। बेंट टेल कैरियर को चित्र में दर्शाया गया है, इस कैरियर का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। यह एक चित्र है बेंट टेल कैरियर का। चार ऑप्शन आपके सामने है, जैसा कि पहले से एक में आंसर लगा था तो मैंने चारों पे लगा दिया, जिससे आपको समझ में नहीं आया कि इसका जो राइट आंसर था वो क्या है। तो अब आपको बताना है, पहले आप बताइए, इसके बाद मैं अपना जो है वो फाइनल आंसर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो बेंट टेल कैरियर होता है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन का केंद्र में, केंद्र के बीच में जॉब को पकड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा है वो, केंद्र के बीच में जॉब को पकड़ने का काम करता है हमारा बेंट टेल कैरियर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये रहा। चित्र में दर्शाए गए लेथ काटने वाले उपकरण में ए रूप में से चिन्हित कोण का नाम बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ए से दर्शाया गया है वह आपको बताना वह कौन सा कोण है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का साइड क्लियरेंस कोण। जैसा कि साइड में लिखा है इसलिए ये हो जाता है साइड क्लियरेंस कोण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा, वो ये रहा, HSS मतलब हाई स्पीड स्टील उपकरण का प्रयोग करते हुए एक सादे टर्निंग के लिए 50 mm वर्क पीस के RPM की गणना करें, अनुशासित काटने की गति 30 मीटर प्रति मिनट है। फ्रेंड्स, इसका एक सूत्र होता है हमारा टर्निंग का जो सूत्र होता है, उसके द्वारा अगर आप इसे लगाते हैं तो जो राइट आंसर आएगा, मैं आपको यहां बता देता हूं राइट आंसर क्या है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन का 191 mm होगा कटिंग स्पीड इसकी जो आएगी, 191। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा क्वेश्चन हमारा ये रहा लेथ मशीन से। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दर्शाए गए लेथ सहायक उपकरण का नाम बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या है, जैसा कि आपने देख लिया है चित्र, बताइए राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 4 जबड़ा चक। फ्रेंड्स, अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियो देखना है टॉपिक वाइज MCQ की, तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको पहले से ही मैंने चैप्टर वाइज बना के रखी है वीडियो, तो वहाँ से आप इसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। छठवा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चित्र में दर्शाए गए लेथ सहायक उपकरण का। फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक राइट आंसर है वो आपको बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का फेस प्लेट। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर हम जॉब को पकड़ते हैं, ये होल्डिंग डिवाइस है, अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए ये काम में आती है, यह है फेस प्लेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सातवां, वो ये रहा आपके सामने, चित्र में दर्शाए गए टूल पोस्ट का नाम बताना है आपको। ये जो टूल पोस्ट है इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है सातवें क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स, जो राइट आंसर है सातवें क्वेश्चन का वो है ऑप्शन का एक रास्ता टूल पोस्ट, मतलब सिंगल होल्डिंग टूल है ये, सिंगल होल्डिंग टूल पोस्ट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, ये रहा, चित्र में दर्शाए गए एक्स चिन्हित नर्लिंग के ग्रेड का नाम बताइए। फ्रेंड, चार ग्रेड होते हैं जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, एक गुड होता है, एक फाइन, एक वेरी फाइन और एक स्टैंडर्ड होता है। तो आपको बताना इसमें से ये कौन सा, और एक मीडियम होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये नर्लिंग का कौन सा ग्रेड है, यहाँ पर एक्स द्वारा इंगित आपको बताना है। ये तीन ग्रेड जो देख रहे हैं आप, उसमें से जो एक्स से अंकित है बीच वाला, वह कौन सा ग्रेड है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन का मध्यम, मीडियम ग्रेड का है ये,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नोवा हमारा, ये रहा आपके सामने। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम लग रही है तो उसे 480 पर सेट करके देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पिक्सल थोड़े फटे हैं इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। नोवा क्वेश्चन है आपका ये रहा, लेथ के टेल स्टॉक नली की नाक में लगाई गई टेपर है, यहाँ पर आपको बताना है कि लेथ मशीन के नली दूरी की नाक में, मतलब आपको यहाँ समझना है, यहाँ पर वो बात कर रहा है आपका टेल स्टॉक की, ठीक है फ्रेंड्स। टेल स्टॉक में कौन सा टेपर होता है आपको यहाँ बताना है। जैसा कि मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि अगर आपसे टेपर की बात करता है लेथ मशीन या फिटर थ्योरी मशीनिस्ट या फिटर थ्योरी में खासकर, अगर आपसे टेपर की बात होती है तो वहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है मोर्स टेपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का मोर्स टेपर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दसवां, वो ये रहा आपके सामने, ड्रिलिंग करते हुए ड्रिल अत्यधिक गर्म हो जाती है, इसका कारण क्या है? आपको बताना है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अत्यधिक गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। दसवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का अत्यधिक काटने का दबाव के कारण जो ड्रिल होता है हमारा वो अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्यारहवा, एक बटरेस थ्रेड प्रोफाइल दर्शाया गया है चित्र में, एक्स रूप में चिन्हित कोण क्या है? ये जो कोण दिखाया जा रहा है आपको, इस कोण कितने डिग्री का है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ग्यारहवें क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन का 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहवा, थ्रेड के क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह क्या कहलाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर बारहवें क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन का फ्लैंक कहलाती है वह सतह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तेरहवा, नीचे दिए गए चित्र सीधा मतलब स्ट्रेट सेंक ट्विस्ट ड्रिल है, इसमें ए द्वारा इंगित भाग का नाम क्या है? आपको ये बताना है यहाँ पर तेरहवें क्वेश्चन में, राइट आंसर है ऑप्शन का बॉडी, ये है बॉडी। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि अगली जो एमसीक्यू की वीडियो होगी जो कि कल आएगी वह किस चैप्टर से होनी चाहिए और आपके कितने नंबर आए इस वीडियो में, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चौदहवा क्वेश्चन है, फ्लैट ड्रिल चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में चिन्हित कोण एक्स का नाम बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का कटिंग क्लियरेंस कोण। आगे बढ़ते हैं, पंद्रहवा क्वेश्चन है, मुड़े हुए ड्रिल अलग अलग हेलिक्स कोण में बने होते हैं, हेलिक्स कोण निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट आंसर है पंद्रहवें क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन का कटिंग कोण को निर्धारित करता है हमारा हेलिक्स कोण। आगे बढ़ते हैं, सोलहवा क्वेश्चन है, निम्न मापने के तरीकों में से किस एक के द्वारा पतले वर्कपीस के डी और डी को मापा जा सकता है, मतलब स्मॉल व्यास को और बड़े व्यास को किसके द्वारा मापा जा सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। फ्रेंड्स सोलहवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन घ, साइन बार के द्वारा छोटे व्यास और बड़े व्यास को दोनों को नाप सकते हैं क्योंकि टेपर में कोण मापता हमारा साइन बार, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का साइन बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सत्रहवा, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को निर्धारित करता है। फ्रेंड्स ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड निर्धारित करता है वह है ऑप्शन, यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन का बंधन यानी बॉन्ड, बॉन्ड की मजबूती पर निर्धारित करता है ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अठारहवा, निम्न में से कौन सा कृत्रिम घर्षण है? यहाँ पर आपको बताना है कृत्रिम घर्षण कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कृत्रिम घर्षण है वह है ऑप्शन घ, सिलिकन कार्बाइड, ठीक है फ्रेंड्स। मानव निर्मित जो हमारा बॉन्ड है एक, वो है हमारा सिलिकेट बॉन्ड या सिलिकन कार्बाइड एक हमारा मटेरियल है, वह हमारा मानव निर्मित है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन घ, सिलिकन कार्बाइड। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन है, बाहरी स्क्रू धागे माने बाहरी एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड की आयामी सीमा जांचने के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का व्यास किससे मापा जाता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन का स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धागा रिंग गेज मतलब स्क्रू थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग बाहरी धागे को जांचने के लिए किया जाता है, अलग गो और नो गो गेजेस सदस्य प्रदान किए गए हैं, निम्नलिखित धागा स्क्रू तत्वों में से कौन सा अंगूठी गेज के साथ जांचा नहीं जाता है? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसे सरल शब्दों में आपको बता दूं कि धागा रिंग गेज का मतलब है स्क्रू थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग धागे मतलब स्क्रू थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है, बाहरी मतलब एक्सटर्नल, गो और नो गो इसमें दो टर्म्स होती है, तो इसमें से आपको बताना है अंगूठी गेज के
साथ जांचा नहीं जा सकता, मतलब रिंग गेज के साथ ये जो तत्व दिए हैं चार ऑप्शन में, ये कौन सा मापा नहीं जा सकता स्क्रू थ्रेड रिंग गेज के साथ। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो राइट आंसर है 20वें क्वेश्चन के लिए वह ऑप्शन का पिच व्यास को हम नहीं माप सकते हैं स्क्रू थ्रेड रिंग गेज से। फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगले आपको कमेंट सेक्शन मुझे ये जरूर बताना है कि अगली जो वीडियो होगी एमसीक्यू की वह किस चैप्टर से होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।